हेलो वेलकम गाइस टू स्पॉट एंड टेक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईफोन 11 के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें देखने को मिल रहे काफ़ी सारे अलग अलग लीक्स आईफोन 11 के बारे में। आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम से आ सकता है, 11 या फिर X2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक नाम पे छोड़िए। लेकिन रेंडर्स जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबल रेंडर्स आते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और जिस तरीके से दिखने वाला है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और इनोवेशन की बात जहाँ तक करूँ, एप्पल क्या कर रहा है भाई, एक बार सुन लो हमारी भी बात, कुछ ढंग का कीजिए एक बार के लिए। मतलब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एप्पल इस तरीके का कुछ करता है तो बहुत अजीब सा लगता है, और रिपीटेटिव सा सिनारियो और स्क्रीन वगैरह देता है तो काफ़ी अजीब सी बात लगती है। इतनी बड़ी कंपनी है तो इन्हें कुछ तो अलग करना चाहिए था एक डिफरेंट सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए। इनका वैसे सेलिंग पॉइंट डिफरेंट है ही, लेकिन कुछ और भी दीजिए ना वैल्यू को, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का कॉम्पिटिशन है एंड्रॉयड मार्केट से भी इनके साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स और काफ़ी सुंदर फ़ोन और बेटर फ़ोन्स देखने को मिलते हैं हमें। तो आईफोन यहाँ कर क्या रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इसके वेरियंट्स की। यहाँ पर हमें 3 वेरियंट्स देखने की बात हो रही है, एक नॉर्मल वर्जन और एक मैक्स वर्जन, और आपका एक और वर्जन जो कि है हमारा 10R2, जो कि कुछ भी हो सकता है नाम, R2 के नाम से हो रहा है या फिर 11R कुछ भी हो सकता है, जो कि बजट लाइन में आएगा थोड़ा सा, जो कि $700 के प्राइस रेंज के आसपास होगा। अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें पड़ेगा 50,000 के आसपास का कुछ इंडियन रुपीज़ में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 70,000 पे जम करेगा आपने 10R के प्राइसेस को देखा है तो। और बाकी उनके प्राइसेस की बात करूँ तो वो 80,000 से स्टार्टिंग प्राइसेस होगा। अगर आप ज़्यादा अमीर है तो ज़रूर खरीदे, कोई नहीं रोकने वाला आपको, लाइनों में लग के खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को इसके साथ ये लगी है कि इन्होंने अभी भी नॉच के साथ क्यों गए हैं, जबकि इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। कुछ ना कुछ कर सकती थी एप्पल अपनी नॉच को छोटा करने के लिए या फिर कम्प्लीटली हटाने के लिए। अगर यहाँ तक अगर इनका एक आर्ग्यूमेंट उधर से आता है कि ये फेस अनलॉक के लिए बहुत बेटर है, लेकिन देखा जाए तो फेस अनलॉक के मैकेनिज्म को ये लोग कुछ छोटे उसमें फिट कर सकते थे ज़रूर, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बड़ी सी नॉच दे दी है। और या फिर एप्पल का ये भी कहना है कि वी डिड दिस शिट मैन, हमने किया ये तो हम ही इसको आगे तक लेके जाएंगे। मेरे को ऐसा भी लग रहा है एप्पल कुछ इस तरीके का करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा डिवाइस हो सकता था एप्पल की तरफ से आईफोन 11, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जहाँ तक बात करूँ पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है। मतलब पीछे जो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी, ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्यों किया एप्पल आपने, ये बताइए हमें। और पीछे का जो मॉड्यूल है काफ़ी बड़ा भी है, और पीछे मतलब जो बाहर को उठ के आएगा वो, और उसको हार्म होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आपके टेबल पे वो फ़ोन उठा रहेगा थोड़ा काफ़ी ऊपर तक, और बम्प वगैरह चाहे कितने ही अच्छे सेंसर दे दो आप, लेकिन इतना भत्ता मेरे को नहीं चाहिए था कुछ भी उस फ़ोन के पीछे। फ़ोन के पीछे के एस्थेटिक्स को बिल्कुल अजीब सा कर दिया है। आप एक आर्ग्यूमेंट और रख सकते हैं कि ये वावे के फ़ोन की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा मैं कहूँगा कि वो फ़ोन अलग छोड़िए, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, सीरियसली बहुत अजीब लग रहा है ये। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके इंटरनल्स की, तो रैम वगैरह के ऊपर तो ज़्यादा बात करता नहीं है एप्पल, और बैटरी भी थोड़ी अजीब से नंबर्स के साथ होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी चल जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें A13 बायोनिक चिप के बारे में बात हो रही है, जो 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बनी है, काफ़ी अच्छी चिप होगी। और A11 A12 काफ़ी अच्छी चिप्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है इन चिप्स में से, वो उसकी कोई बात नहीं है। एप्पल यहाँ पे तो काम कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा इन्होंने अपने फ़ोन के डिज़ाइन पे क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। और आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें अलग अलग कलर वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले वगैरह की, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देने वाला है एप्पल के डिस्प्लेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। OLED पैनल्स आपको 2 डिवाइसेस में दिखने वाले हैं, और जो 11 या 10R2 जो आने वाला है उसको, उसमें आपको एक LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपने 10R का डिस्प्ले देखा है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, चाहे वो फिर एक LCD डिस्प्ले हो, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाला, फिर भी बहुत अच्छा है। तो अब आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके कि ये ऐसा दिखने के कितने चांसेस हैं। मेरे हिसाब से ऐसे दिखने के इसके 90% चांसेस है, क्योंकि आप मान के चलिए हर जगह से यही रेंडर्स आ रहे हैं कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और यहाँ तक की बात है कंपनी केस कंपनीज वगैरह को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने डिज़ाइन, ताकि वो पहले से तैयार करके रखें, तो जब भी किसी फ़ोन का केस निकल के आ जाए लीक, केस लीक, तो आप मान के चलिए बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला है डिवाइस। ये ऐसा काफ़ी सारे फ़ोन के साथ होता है, तो एप्पल के साथ ऐसा होना भी काफ़ी
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, और ऐसा ही दिखने वाला फ़ोन आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा ही फ़ोन मिलने वाला है, और आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है पिछले जनरेशन से। अगर देख बोलूँ मैं तो बैटरी परफॉर्मेंस में, कैमराज वगैरह में, स्क्रीन वगैरह में, स्पीकर्स वगैरह में, सब चीज़ में। और एक और चीज़, वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो होती है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी शायद इस बार आईफोन दे ही देगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में दे दिया गया है सैमसंग की तरफ से, तो ये भी ज़रूर करेगी आईफोन। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आप अपने नीचे जाके जल्दी से थॉट्स को डाल दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं इसके प्राइस के बारे में, किस तरीके के वेरिएंट्स आने वाले हैं, और आप क्या सोचते हैं ऐसे डिज़ाइन के बारे में, तीन कैमरास के बारे में जो पीछे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इतना ही इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।